जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम एम ई जी जीरो थ्री यानी ब्रिटिश नॉवल के ब्लॉक थ्री का यूनिट वन अब सबसे पहले आप समझो कि एम ई जी से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नो एम ए इंग्लिश एम ई जी जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही मैं कॉमेंट में कॉमें भी पिन कर दिया है फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू अपडेट आवर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इज ऑलरेडी मैं बॉक्स इग्नो एम जी अपडेट्स अगर हम आगे बढ़े तो ब्लॉक थ्री क्या है वोदरिंग हाइट्स इसके ना सबसे पहले डेट्स को समझो ये जो इवेंट्स हुए हैं वेदरिंग हाइट्स में ये स्पैन ओवर पूरी की पूरी सेंचुरी रही है कुछ की पॉइंट्स इसके रहे हैं डेलीबेटरी डेलीब्रेट्री जो कि प्लेस हुए हैं एमेडाइज ब्रॉडर तरीके से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट में जब ये लिखी गई थी एटीन फोर्टी फाइव में लेकिन सेट हुआ है इन लेट एटीन सेंचुरी में नॉवल की जो नेरेटिव बिगिन होती है वो एटीन जीरो वन से ही हो जाती है जब लॉकवुड जो टीनड होता है हेथक्लिप्स का वो अराइव करता है थ्रू थ्रू श्रॉस में थ्रू श्रॉस ग्रेरेंज में नीली डीन जो होता है वो रिकाउंटिंग करता है हिस्ट्री ऑफ वुदरिंग हाइट्स को जो कि फोकस करते हैं नैरोली इन ऑन इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स और लार्ज इग्नोर करते हैं सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को उस टाइम के ये जो इन पर्सपेक्टिव पर्स्पेक्टिव प्रॉम्स होते हैं ना ये क्वेश्चन करते हैं अबाउट दी कैरेक्टर्स आइसोलेशन फ्रॉम ब्रॉडर सोसाइटल चेंजेस और जहाँ पे एमली ब्रॉन्ड इंटेंड करती है दिस डिटैचमेंट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इससे हम आगे बढ़े तो जो लोकेशन रहा है हाइट्स का वो रहा है लॉकवुड नरेट्स करते नरेट करते हैं स्टोरी को वुदरिंग हाइट्स को विद द पर्सनल पर्सपेक्टिव जो कि डिस्क्राइब करता है थ्रुश क्रॉस ग्रेंज में एज अ ब्यूटिफुल लेकिन फिर भी आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे वो टर्म करते हैं मिसनोफिस्ट ई हेवन को इनका जो व्यू शेप होता है रीडर्स के इनिशियल परसेप्शन का जहाँ पे इवेंट जो है इवेंट ऑफ दी नॉवल सिर्फ और सिर्फ ऑगर करता है इन सच रिमोटनेस जो कि ये सच रिमोटनेस की ये जो इंटरप्रिटेशन रहती है ये फर्दर इनफोर्ज हो जाती है बाय बायोग्राफिकल डिटेल अबाउट दी एम एली जो कि एम्फेसाइज करती है उनके शाई को और इंट्रोवर्टेड नेचर को जो शार्लॉट ब्रॉन्टे रहती हैं एटीन फिफ्टी एडिशन प्रीफेज़ में वो रिफ्लेक्ट करती है उनके सिस्टर की डिस्पोजिशन जो कि सजेस्ट करती है दैट सो फेवर्ड एम के इंक्लाइनेशन टूअर्ड सॉलीट ठीक है यहाँ तक बातचीत द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होती है लेट एटीन सेंचुरी में और अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में मार्क होता है एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा इन इंग्लैंड ये विटनेस करती है कंट्री के एसनेशन एज अ डोमिनेंट एम्पेरिकल पार्क को जो कि एक्सपैंड करेगा ग्लोबली एंड फॉस्टर करेगा एक बिलीव को उसके परपेचुअल इन्फ्लुएंस में जो कि सिम्बलाइज करेगा बाई द फ्रेज सन नेवर सेट्स इन द्रिटिश एम्पायर कौन करेंटली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जहाँ पे राइज होता है कैपिटलिज्म का ब्रॉड जो कि ले आता है एक इकोनॉमिक बूम एंड बस जो कि शिफ्ट करता है फ्रॉम ट्रेडिशनल डोमेस्टिक सिस्टम से ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू अर्बन सेंटर्ड इंडस्ट्रीज ये जो ट्रांजिशन होता है डिस्प्लेस करता है रूरल पॉपुलेशन को जो कि लीड होता है ओवर क्राउडिड सिटीज के साथ प्लेग्ड बाई पुअर लिविंग कंडीशन डिजीज जो कि आउटब्रेक होता है एज अ कोलोरो ड्यूबकलॉसिस और हाई मोर्टेलिटी रेट्स के साथ स्पेशली स्पेसिफिकली फैक्ट्री फैक्ट्री वर्कर्स में ये जो पीरियड देखा जाता है एज अ डिबेट्स ओवर इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज जहाँ पे एडम स्मिथ्स के साथ लेजीज फायर प्रिंसिपल फेस करते हैं क्रिटिसिज्म फ्रॉम थिंकर्स लाइक टॉम पेन रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट ओवर अन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पार्किंग सोशल अनरेस्क फूड राइट एंड वर्कअप प्रोटेस्ट इससे आगे बढ़े तो फॉर फर्दर अपडेट यू कैन ऑल्सो विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन भी आप हमारा डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से डेली वाइड्स जहाँ पे आपको इग्नू के वाले कंटेंट में आपको एम से रिलेटेड सारी जितने भी लेक्चर सीरीज़ हैं चाहे रिसोर्स मटेरियल है सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी वन स्टॉप डेस्टिनेशन और यहीं से पे करके आप परचेज कर सकते हो इवन अगर आपको पी वगैरह चाहिए एम 500 का कोड लिख के भेजो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इसके साथ ही हम आपको पी शेयर करेंगे एंड